वेलकम टू द चैनल ट्रैवल फन रिपीट। ये ग्लिम्सेस हम आपको दिखा रहे हैं डांडेली की, जो एक बहुत अच्छी जगह है वीकेंड ट्रिप के लिए, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ हों या फैमिली या फिर कपल ट्रैवलर्स। इट्स एन आइडियल प्लेस फॉर ऑल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू रीच डांडेली, कि वहाँ तक कैसे पहुँचे, प्लेसेस टू विजिट इन डांडेली, आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं या आप क्या क्या कर सकते हैं डांडेली में, स्टे करने के लिए कौन सी जगहें अच्छी रहेंगी, बेस्ट रहेंगी, ये भी हम आपको बताएंगे, यहाँ पे होने वाले वेरी फेमस एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में, इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ है डांडेली में। पर उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, और हम इकलौते ऐसे चैनल हैं जो अपने व्यूअर्स के हर क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द शो। पहुंच गई है डांडेली। यहाँ पे ये जगह है नॉर्थ कर्नाटका में, बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे आपको वाटर स्पोर्ट्स, जंगल ट्रेकिंग एंड कैंपिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें देखने के लिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आइए जानते हैं थिंग्स टू डू इन डांडेली। आइए मेरे साथ। ये है यहाँ का स्पोर्ट्स जोन, जहाँ होते हैं वेरियस वाटर स्पोर्ट्स लाइक कायाकिंग, जॉबिंग, जकूजी बाथ, बोटिंग, जिप लाइनिंग और यहाँ की काफी फेमस व्हाइट वाटर राफ्टिंग। हुफ, नाम लेने में ही थक गई मैं। राफ्टिंग के लिए रेनी सीजन इज बेस्ट, क्योंकि उस वक्त वाटर लेवल ज्यादा होता है एंड वाटर फ्लो भी काफी तेज होता है। डेंस जंगल और वाटर राफ्टिंग का कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ डांडेली में ही मिल सकता है। सो गाइज, वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द वाटर स्पोर्ट्स, एज यू कैन सी बोटिंग, वी डिड राफ्टिंग, वी डिड कायाकिंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, लॉट मेनी थिंग्स। एंड थैंक्स टू एडवेंचर जोन, दे मेड इट पॉसिबल एंड दे हेल्प्ड अस अ लॉट, दे वर वेरी सपोर्टिव एंड दिस वॉज ऑल वेरी मच फन। ठंडे ठंडे पानी की बहती हुई छोटी सी नदी, ये है डांडेली। हरे भरे जंगल, ठंडा ठंडा बहता हुआ पानी, और क्या चाहिए। शहर की भीड़ भाड़, रोज की दौड़ भाग की लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। और हाँ, तब तक आप एक काम कर सकते हैं, जब तक आप डांडेली नहीं आ रहे हैं, कम से कम सब्सक्राइब ट्रैवल फन रिपीट ओनली ऑन यूट्यूब। तो चलिए आइए चलते हैं थोड़ी और एक्टिविटीज की तरफ। Hi friends, we have come for trekking in the jungle. Dandeli, as you can see, we are going on trekking. Come with us. हमने यहाँ पे आर्चरी ट्राई किया था और ये था हमारा एक्सपीरियंस। मॉर्निंग गाइस, नाउ दिस डे टू एट डांडेली एंड एक दिन हमने टेंट में स्टे लिया था एंड हम टेंट में सोए, इट वॉज वेरी एडवेंचरस, अच्छा था, डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे टू। यहाँ पे आप सुबह उठकर फ्रेश एयर में साइकिलिंग के लिए निकल सकते हैं एंड इट रियली फील्स सो गुड टू ब्रीद इन फ्रेश एयर। वाइल्ड प्लानिंग फॉर डांडेली, पहला सवाल जो मन में आता है, हाउ टू रीच। यहाँ पहुँचने के लिए अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल की कार से आए या बाइक से आ रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं, देन बेस्ट रूट इज बाई बस। वैसे यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है, बट अभी वो सिर्फ गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी के लिए है, अभी वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन्स नहीं आती हैं, तो बस से आना ही बेस्ट है। गोवा से डांडेली सिर्फ 98 किलोमीटर्स है एंड बाकी काफ़ी बड़े सिटीज़ जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, इन सब से विद इन 500 किलोमीटर्स यानी कि ओवरनाइट जर्नी है। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है डांडेली पहुंचने के लिए। जैसा कि हमने बताया, डांडेली पहुंचना तो बहुत ही आसान है, लेकिन स्टे करने के लिए थोड़ा सिलेक्टिव रहिएगा।
वैसे तो यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं स्टे के लिए, लॉजेस, होटल्स, रिजॉर्ट्स, बट बेस्ट इज कि आप किसी रिजॉर्ट में स्टे करें, क्योंकि यहाँ पे जब आप रिजॉर्ट में कहीं स्टे करते हैं तो ये लोग आपका रहना, खाना, एक्टिविटीज, साइट सीन, हर चीज एक पैकेज में इंक्लूड कर देते हैं, जिससे आपका स्टे काफी इकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि उसमें खाना, एक्टिविटीज, साइट सीन सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। हम करेंटली एक रिजॉर्ट में स्टे कर रहे हैं और इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आप कॉटेजेस में स्टे कर सकते हैं, आप इनके पास टेंट्स हैं, कैंप्स, उसमें स्टे कर सकते हैं, और हाँ अगर आपके पास बहुत बड़ा ग्रुप है, आप आ रहे हैं बहुत बड़ा ग्रुप लेकर के, तो आप यहाँ पे इनके पास बड़े कॉटेजेस हैं फैमिली कॉटेज के नाम पर, एंड बिलीव मी ये कॉटेजेस इंक्लूडिंग ऑल इवेंट्स दिस एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग आर द चीप एंड बेस्ट ऑप्शन। वैसे तो आप कभी भी डांडेली जा सकते हैं, बट बेस्ट सीजन इज अक्टूबर टू जनवरी, क्योंकि मॉनसून सीजन के बाद यहाँ के जंगल में जैसे नई जान आ जाती है, एंड राफ्टिंग के लिए वाटर लेवल भी एडिक्वेट होता है। फरवरी टू मई के बीच में आप जा तो सकते हैं, बट उस वक्त तक पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती हैं, तो फॉरेस्ट, वहाँ के जो जंगल हैं वो उतने ग्रीन नहीं दिखते। जून टू सेप्टेम्बर डांडेली का मॉनसून सीजन है, इस सीजन में यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती है। अगर आपको कोई भी सजेशन या रेकमेंडेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप सिटी में स्टे कर रहे हैं तो आपके पास खाने के काफी ऑप्शंस हैं, बट अगर आप जंगल एरिया में स्टे कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस काफी लिमिटेड हैं और आपको अपने रिजॉर्ट पे ही डिपेंडेंट रहना होगा। गाइस हम पहुंच गए हैं डांडेली के डिज्नी इको पार्क में, सो लेट्स एक्सप्लोर दिस पार्क, लुक्स वेरी ग्रीन, सो मेनी किड्स अराउंड, लेट्स गो अहेड। एंड दिस वन यूज्ड टू बी माय फेवरेट व्हाइल चाइल्डहुड, छोटा भीम, मिकी माउस, वाओ मोटू पतलू, cute smile, and ये हमारा जंगल बॉय मोगली। अरे ये तो टॉम एंड जेरी है, और ये शायद पहली बार होगा कि जेरी टॉम को कोई गिफ्ट दे रहा है। ये सारे छोटा भीम के दोस्त, चुटकी, राजू, डग्गू और वो दाढ़ी वाले बाबा। सेकेंड के लिए रियली गॉट स्केयर्ड कि कोई खड़ा है। जब हम डांडेली आए उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई पार्क है डांडेली में, बट थैंक्स टू आर रिसर्च टीम कि जब हम यहाँ थे उसी वक्त दे इन्फॉर्म्ड अस अबाउट दिस पार्क, एंड बहुत मजा आया इस पार्क में हमें। तो इस पार्क में आप आधे दिन का टाइम लेकर जरूर आइए, शाम को 6 बजे ये पार्क बंद हो जाता है। यहाँ अंदर छोटी छोटी कैंटीन्स हैं जहाँ पे खाने की चीजें अंदर ही अवेलेबल होती हैं। ओ, अरे ये तो वही कार्टून कैरेक्टर है ना, पॉपॉय द सेलर, बड़े गुस्से में शक्ल बना के खड़ा है सिगार लेके अपना। ये हमारे आज कैप्टन अमेरिका, हल्क, आयरन मैन, स्कूबी डूबी डू, हियर आर यू, ये है स्कूबी डूबी डू। ये भी लग रहा है वाटर स्पोर्ट्स के बाद थक के बैठ गए हैं। He loves Dandeli. We loved it too, bro. Okay, time to leave. पार्क के बंद होने का वक्त हो चुका है, शाम के 6 बज गए हैं और ये देखिए क्लोज्ड का बोर्ड लग गया है, सो इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम द पार्क। ये है कुछ अनदेखी अनसीन क्लिप्स। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछें, और ना हो डाउट तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा क्या है, हम तो एकदम वेल्ले हैं, रिप्लाई ज़रूर करेंगे आपको। बाय गाइस, सी यू सून एट अ न्यू डेस्टिनेशन, टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।